हम सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। हमने पिछले लेक्चर के तहत देखा कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हैं, ऑल द कॉजेज। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि भारत सरकार की क्या क्या योजनाएँ रही, क्या कदम उठाए गए। पास से प्रेजेंट तक सभी योजनाओं को हम डीमार्केट करेंगे और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्या सुधार किए जा सकते हैं, योजनाएं कहाँ फेल हुई और क्या क्या सुधार कार्यक्रम आने चाहिए, द रेमेडियल मेजर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए पहले हम इनके कॉजेज को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला जो हमारे सामने कॉज है, दैट इज़ लैक ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट एंड लैक ऑफ हाई प्रोडक्शन। देखिए, एक नेचुरल कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि सबसे ज़रूरी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होना, किसी तरह की कोई एक्सरसाइज होना। आप जो भी कोई एक्सरसाइज करते हैं प्रोडक्शन से एसोसिएटेड, इसीलिए उस एक्सरसाइज पे लगने वाली ड्यूटी को एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्चुअली दैट ड्यूटी इज़ एक्सरसाइज ड्यूटी, शॉर्ट में हम उसे कह देते हैं एक्साइज ड्यूटी। तो किसी तरह की कोई प्रोडक्शन होनी चाहिए, बी इट एनी थिंग, आप प्रोड्यूस करिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, सपोज़ स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए ये नहीं कर रहे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा है जैसे कि रोड बन रही है, बीट एनीथिंग। चलिए मान लीजिए ये भी नहीं कर रहे आप, कंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए, मैं कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ इस समय, और उस कंटेंट को प्रोड्यूस करते हुए मैं मंथली हज़ारों के रुपये के रूप में रेंट पे कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही दे रहा हूँ, आई एम पेइंग रेंट टू देम। कितने बच्चे बुक्स परचेज कर रहे हैं, उस बुक वेंडर को सर्विस जॉब मिल रही है, और कितने नोट्स फोटोस्टेट होते हैं। सो जब मैं एक कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं खुद को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, और मैं साथ लगे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, इसे हम सर्विसेज कहते हैं। ओके, सो प्रोडक्शन इज़ नेसेसरी, सम एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी, जब वो होता है तो नेचुरली रोज़गार पैदा होता है। बट कैसे हो ये प्रोडक्शन, एक्सरसाइज कैसे हो सकती है, ये तब तक नहीं हो सकती है जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी। अब मान लीजिए कि मैंने भी ये काम शुरू करने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट की होगी, मैंने मान लीजिए ये माइक परचेज़ किया, ये ट्राईपॉड परचेज़ किया, सबसे पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी रेंट पर हायर की, इसके सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स दिए, इसके मंथली रेंट अरेंजमेंट्स किए, चेयर्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, एवरीथिंग, वो व्हीकल जिसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स जब हमने की तो ये कंटेंट प्रोडक्शन एग्जीक्यूट हो पाया। इसी तरह से जब इन्वेस्टमेंट्स होती है, स्टील प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर के लिए आप बीज लेकर के आ पाते हैं, सीड, खाद यानी कि फर्टिलाइज़र लेकर के आ पाते हैं, इरिगेशन यानी कि आप सिंचाई का प्रबंध करते हैं पानी का, ये सारे इनपुट्स इस इन्वेस्टमेंट पर ही डिपेंड करते हैं। तो कैपिटल यानी कि पूंजी, जब तक कैपिटल यानी कि पूंजी का निवेश ना हो तब तक निर्माण काम नहीं होते, और जब तक निर्माण कार्य ना हो सकें तब तक रोज़गार पैदा नहीं होता। तो ओवरऑल ये माना गया है कि इंडिया के केस में अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा रीज़न ये भी रहा है कि 1947 तक हम पर अंग्रेज़ों का राज रहा, और उस राज होने की वजह से जो सफ़र हुई हैं वो दो एरियाज़ हुए हैं मेजॉरली। एक बड़े लेवल पर सफ़र हुआ हमारा एग्रीकल्चर, और दूसरा हमारी इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारी कंट्री में एक बहुत खूबसूरत विलेज इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती थी, जिसे आप कॉटेज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन एरिया में, शहरों में ट्रेड एंड कॉमर्स का नेटवर्क एग्जिस्ट करता था, हमारे राजघराने एग्जिस्ट करते थे जो खास तरह की गुड्स की डिमांड क्रिएट करते थे इस कॉटेज इंडस्ट्री से। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब अपनी कंट्री में बने हुए इंडस्ट्री यानी कि मशीन मेड प्रोडक्ट भारतीय बाज़ारों में उतारे, हमारे हैंड मेड प्रोडक्ट उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हमारी इस मैनुअल इंडस्ट्री को मशीनों से रिप्लेस नहीं किया, वो यहाँ मशीन्स नहीं लेके आए। हर सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो मैनुअल वर्क है वो एक दिन ख़त्म हो जाता है और उसे मशीन वर्क रिप्लेस करता है, लोग यहाँ से बेरोज़गार होते हैं और वो यहाँ आके रोज़गार ले लेते हैं।
लेकिन इंडियन सोसाइटी में ऐसा होने नहीं दिया गया, क्योंकि जो हम पे रूल कर रहा था वो हमसे बिलोंग नहीं करता था, हम उसकी प्रजा नहीं थे, हमें उसने कॉलोनी माना हमेशा। उसकी जो मेन कंट्री थी, द होम कंट्री, दैट वाज ब्रिटेन, तो उसने सारी वेल्थ इंडिया से स्क्वीज कर ली और ले जा कर के ब्रिटेन में उसे इन्वेस्ट कर दिया, या ब्रिटेन के लोगों को एज एन इनकम उसे दे दिया। इसकी वजह से ही हमारे यहाँ पर अगर हमारे हाथों से काम किए जाने वाले उद्योग धंधे ख़त्म भी हो गए, कोई बात नहीं, बदले में वहाँ मशीनें आ जानी चाहिए थी। अब भारत सरकार ने नियम बनाया है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि डीजल बेस्ड ऑटो ख़त्म हो रहे हैं, तो अब क्या आ रहे हैं, ई रिक्शा। बट उसके लिए भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने प्रबंध भी तो किया, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, सभी लोगों को एफर्ट्स करके ई रिक्शा पे बदला जा रहा है। एक तो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, दूसरे उन्हें लोन्स भी दिए जा रहे हैं ना, कई बार लोन के रूप में सब्सिडी दी जाती है, कई बार कैश। तो इस तरह से एक गवर्नमेंट अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी का जब चेंज लाती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जब चेंज लाती है, उसके लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को एग्जीक्यूट करती है। हमारे देश में वो नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री नष्ट हुई। इंडिया ने ब्रिटिशर्स के समय में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के बजाय एक ट्रेंड देखा जिसे कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री का ख़त्म होना। फिर दूसरी तरफ हमारे एग्रीकल्चर को उन्होंने अपने बेनिफिट में यूज़ किया। एग्रीकल्चर को सही मायने में जो एग्रीकल्चर कर रहा है, जो सही में पर्सन फार्मिंग कर रहा है, जो हल चला रहा है, एक समय में आज़ादी की लड़ाई में एक नारा आया, जिसके हल उसका खेत, यही कहा गया कि जो खेत जोतेगा खेत उसके होंगे। गांधी जी ने भी ये कहा कि जो टिलिंग करेगा जमीन पर ज़मीन उसकी। लेकिन उसके पहले ये क्या हो रहा था जो हमें ये नारा देना पड़ा, वो हो ये रहा था कि जो देश में खेती कर रहा था ब्रिटिशर्स ने उनसे ज़मीनों का अधिकार लेकर के उनको दे दिया, जो खेती खुद नहीं करता लेकिन जिसका गांव में दबदबा रहता है, द ज़मींदार। तो ब्रिटिशर्स ने बड़े ज़मींदारों को मलिकाना हक दे दिया और जो फार्मिंग कर रहा है सही में उसे एक रेंटियर बना लिया, यानी कि जो रेंट पे ज़मीन लेके, ठेके पे ज़मीन लेके चला रहा है। इस तरह से धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम भी सफ़र हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को एक ऐसा भारत मिला ना जहाँ खेती का विकास था, ना जहाँ पर इंडस्ट्री का, और ऊपर से बंटवारे के कारण बेअंत रिफ्यूजी हमारे पास थे, महंगाई भी बहुत थी। ये सारी चीज़ों के कारण भारतीय सरकार के पास उस समय देश में जो थोड़े रिसोर्सेज थे, उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर इंडिया का डेवलपमेंट करना था। तो हमने 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया, हम 5-5 वर्ष की योजना लेके आने लगे, और उसमें हमने डिसाइड किया कि टोटल कंट्री में जितने रिसोर्सेज हैं हम देखेंगे कि किस सेक्टर को कब कितना देना है, और वो प्लानिंग से ही हो सकेगा। उस प्लानिंग के तहत ये हुआ कि स्टेट, यानी कि आप अभी के लिए सिंपल इतना समझिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि देश के लेवल पर जो मेन इन्वेस्टमेंट करने वाली बॉडी होगी वो गवर्नमेंट होगी, सरकार निवेश करेगी, सारे बड़े काम सरकार अपने जिम्मे लेगी। क्यों जानते हैं? उस समय में देश में जिस तरह का वर्क करने की नीड थी, उस वर्क के लिए प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्टमेंट करे ऐसे हालात नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिस तरह का काम करना था उस काम में उतना रिटर्न वापस नहीं आना था, इनकम नहीं होनी थी, तो रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज्ड थे, इसलिए प्राइवेट प्लेयर ने आगे नहीं आना था। दूसरा, रिटर्न आने में समय बहुत लगना था, इसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। आप कब पैसा लगाते हैं और कब पैसा निकलता है, दैट पीरियड इज़ ए जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा हुआ करता था। तीसरा, इतने बड़े काम, इसे गाइजेंटिक टास्क, इतने बड़े टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए जिस लेवल की मैनेजेरियल स्किल्स और एक्सपर्टीज चाहिए थी वो प्राइवेट प्लेयर के पास नहीं थी, तो वो लेवल की एक्सपर्टीज़ उनके पास नहीं थी। तो पहले तो रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज थे, रिटर्न आने में समय बहुत लंबा था, एक्सपर्टीज़ उतनी नहीं थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो काम थे वो ह्यूज कैपिटल की डिमांड करते थे, और उतना कैपिटल उनके पास नहीं था, उतनी पूंजी भी उनके पास नहीं थी। इसीलिए इन सब कारणों से स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, भारतीय राज्य ने, सरकार ने, कि हम करेंगे। सड़कें बनानी थी, बिजली के खंभे बिछाने थे, बड़े बड़े कारखाने लगाने थे, बड़ी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप करनी थी, वो इनके बूते नहीं हो पाना था। यही कारण रहा कि शुरुआती 40 सालों में 1950 से 1990 के बीच में प्राइवेट प्लेयर
उस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाया, तो एक धड़ा जो है उसकी इन्वेस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज्ड रही, और उस लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट के कारण इन 40 सालों में उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन और उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो पाई जितनी एक्सपेक्ट की गई थी। और यही कारण है कि 1990 में भारत ने अपना बाज़ार खोल दिया, LPG मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में। प्रधानमंत्री थे उस समय PV नरसिम्हा राव, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इस मॉडल को लेके आए, और उसमें ये कहा गया कि जो काम अब तक सरकार करती थी उस काम, उन सेक्टरों को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोल दो इकोनॉमी को, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। दूसरा, अब हर काम में हर कोई लाइसेंस परमिट ले सके ऐसा प्रबंध करो, तो लाइसेंस परमिट राज ही ख़त्म कर दो, तो लिबरलाइजेशन लेके आओ। और तीसरा, विदेशी निवेशकों को भी आने दो, ग्लोबलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। उसके बाद फिर निवेश बढ़ा, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसके बाद प्रोडक्शन भी बढ़ी, और उसके बाद एक सर्टेन लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती दिखी, बट ख़ास तरह की इंडस्ट्रीज़ में, ख़ास तरह की ही जॉब्स में। और वो जॉब्स, वो इंडस्ट्री स्किल्स मांगती थी, और ज़्यादातर भारतीयों के पास स्किल्स नहीं थे। तो एक समय ऐसा था जिस समय में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं थी, तो उसकी वजह से जॉब्स नहीं थी। एक समय था कि जब इन्वेस्टमेंट थी तो वो ख़ास सेक्टरों में थी, फार्मास्यूटिकल हो गया, IT हो गया, ये सारे सेक्टरों के लिए स्किल्स चाहिए, और भारतीय काम करने को तैयार थे पर स्किल्स नहीं थे। तो इसलिए ग्रोथ, इकोनॉमी ने ग्रोथ तो किया, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी, बट जॉबलेस ग्रोथ हो गया। तो ये एक प्री रिक्विजिट, यानी कि एक बुनियादी ज़रूरत होती है कि जब भी आप रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं ज़रूरी है कि निवेश बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट। पर निवेश तभी बढ़ेगा जब निवेश बढ़ाने के लिए आपके पास कोई पूंजी है, पूंजी तभी होती है जब अर्थव्यवस्था का चक्र अच्छा चलता होता है। हमें आज़ादी में ऐसा भारत मिला जिसकी अर्थव्यवस्था तहस नहस थी, और उसे जब हम सुधारने लगे तो हमने अपने लिए वादा किया कि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क हैं, और लोकतांत्रिक मुल्क के तौर पर बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं देश की। लोगों को शिक्षा भी देनी थी, चिकित्सा यानी कि हेल्थ भी देनी थी, सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई स्वच्छता देनी थी, हाउसिंग यानी कि घर भी देने थे, ये सब चीज़ों के साथ साथ देश को बुनियादी ढांचा भी देना था, बिजली देनी थी, सड़कें देनी थी, रेलगाड़ियों का सिस्टम देना था, हवाई सफ़र देना था, ये सब चीज़ें। इसके साथ साथ हमारे देश में जो इंडस्ट्रियों ने रॉ मटेरियल मिले, इसके लिए बेसिक गुड्स इंडस्ट्री भी चाहिए थी, केमिकल्स चाहिए थे, हैवी इंजीनियरिंग चाहिए थी, स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्री चाहिए थी, ये सब ना होती तो बाकी इंडस्ट्रियाँ में ना टिक पाते। ऐसे में वो भी इंडस्ट्रियाँ चाहिए थी जो मशीन्स बनाती हैं, क्योंकि मशीन मेकिंग इंडस्ट्री ना होती तो बाकी इंडस्ट्री ना ग्रो कर पाती। इन सब वजहों से जो इन्वेस्टमेंट थी वो लिमिटेड थी, और वो कुछ सेक्टरों में यूज़ हुई, ज़्यादा सेक्टरों में यूज़ नहीं हो पाई। और शुरुआती तौर में सभी कंपनियों का उद्देश्य देश का निर्माण करना ज़्यादा था, प्रॉफिट मेकिंग नहीं, मुनाफा नहीं। तो हमारी सरकारी कंपनियां मुनाफे के माइंडसेट से नहीं लगी थी, वो इस माइंडसेट से लगी थी कि देश के उन रीजन में जाकर के प्रोडक्शन करनी है जहां पहले कोई जाता नहीं था, वहां एम्प्लॉयमेंट देनी है, उन एरियाज़ में डेवलपमेंट करना है जिस एरिया में प्राइवेट प्लेयर कभी नहीं आएगा, जहां से फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये होता है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। तो हमारी 5-ईयर प्लानिंग के तहत शुरुआत में जब इंडस्ट्री आई उसका मेन गोल सामाजिक न्याय था। तो जो पैसा उसमें लगता भी था वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती थी, वो नुकसान में ही रहती थी, इसलिए उनके पास तो नई पूंजी होती ही नहीं थी आगे लगाने के लिए। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा उनका एक्सपेंशन नहीं हो पाता था, वो अपने प्रोडक्शंस को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाते थे, देश को ही उन्हें पैसा देना पड़ता था, और देश की सरकार की दूसरी जिम्मेदारियाँ भी थी, मैंने अभी बताया, हेल्थ, एजुकेशन, चुनाव भी होते थे, उनमें कितने कितने खर्चे पार्टियों के वैसे हो जाते थे, तो निवेश कहाँ से आना था। इन सारी परिस्थितियों के कारण ये हुआ कि ओवरऑल एक लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा, एक लैक ऑफ डेवलपमेंट रहा प्रोडक्शन, एक लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बन करके उभरा। ओके, तो ये हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम रही। लेकिन इसका बिल्कुल उलट, हमारे देश पे शासन करते हुए कई तरीक़ों से ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पैसा लिया, निचोड़ा, और वो ब्रिटेन में यूज़ हुआ, इसे इकोनॉमिक ड्रेन कहते हैं। और वही पैसा वहाँ जा कर के 1740 में इस प्रोसेस की शुरुआत हुई, 1760 में इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पर रफ्तार पकड़ी, और 1861 में ये अपनी पीक पे पहुँचा।
तो 100 साल लगा के ब्रिटेन ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हासिल किया उसमें बेअंत पैसा भारत का था जो भारत से ले जाया गया, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर से एज अ लगान, एज अ रेवेन्यू, भारत के लोगों के टैक्सेस को एज अ सैलरी टू द ब्रिटिश पर्सन्स, भारत का पैसा एज अ वॉर अफेयर्स कंडक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन अदर कंट्रीज, और भारत को ही मैनेज करने के लिए भारत से ही पैसा लिया मैनेज करने वाले दफ्तरों को पे करने के लिए जो दफ्तर बाहर बने हुए थे। इस तरह से अलग अलग हेडिंग्स के अंदर इंडिया का पैसा विदेश ले जाया गया और वहाँ उसका विकास हुआ। वही पैसा भारत में ना बचा तो भारत के पास निवेश करने के लिए पूंजी नहीं थी, और पूंजी की कमी के कारण ही जब निवेश ना हो पाए तो पैदावार की कमी रहती है और उसी कारण से फिर रोज़गार उतना बन नहीं पाता। जैसे जैसे देश में बढ़िया कैपिटल फॉर्म होगा, इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रोडक्शंस बढ़ेंगी और वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसलिए ऑल द टाइम गवर्नमेंट्स इस बात को इंश्योर करती रहती हैं कि किसी भी लेवल पर कैपिटल की कमी ना आए, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास आइडिया है या आपके पास स्किल्स हैं, कैपेबिलिटी हैं, आप कुछ करना चाहती हैं, द बेसिक एलिमेंट इज़ आपको पूंजी चाहिए। आप अच्छी ऑर्गेनाइज़र हैं और आपने अपने गांव की 20 औरतों को जोड़ लिया है और वो सारी अच्छी स्टिचिंग जानती हैं, बट अब प्रॉब्लम क्या है, रेंट पे आपको ज़मीन चाहिए, कमरा, सिलाई मशीनें चाहिए, उनको तनख्वाह, आपकी ज़रूरत है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, आपको इनकी नीड है, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए इन फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, या कह लीजिए कि एंटरप्राइज, इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये होते हैं फैक्टर टू प्रोड्यूस, आपको लैंड चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, चाहिए ना, तो इसीलिए फिर बैंक लोन देता है, सरकारें लोन देती हैं कि इस गांव की औरतों की परिस्थिति को सुधारने के लिए इन्हें ये सिलाई कढ़ाई उद्योग लगाने के लिए सरकार 4% ब्याज पर ये लोन देने जा रही है, जबकि ब्याज होता है 12%, वो 8% सरकार ने आपको सब्सिडी दी है। तो कैपिटल इज़ द मेन रिक्वायरमेंट, बी इट एनी आइडिया, अगर फैमिली में भी आपके पास आइडिया है, आपको फैमिली के बड़े लोगों से कैपिटल ही चाहिए कि मुझे अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, मुझे पूंजी दीजिए, मुझे काम करना है, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए स्टार्टअप्स हैं, एक प्रोग्राम आता है शार्क टैंक करके, उसमें भी लोग अपने आइडियाज़ फ्लोट करते हैं, वो पैसा ही फंड रेज करते हैं। इसी कैपिटल की भारत में जब कमी रही, उसी की वजह से निवेश ना हुआ, उसी की वजह से पैदावार ना हुई, और पैदावार ना हुई तो बेरोज़गारी रही, ओके, इसे दिमाग में रखना। द नेक्स्ट वन इज़ द डिक्लाइन इन बिजनेस साइकिल, पहला क्लियर हुआ लैक ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट एंड लैक ऑफ हाई प्रोडक्शन। डिक्लाइन इन द बिजनेस साइकिल, देखिए इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट माना जाता है, हम अपने घरों में भी इसकी हमेशा बात करते रहते हैं, अक्सर कई सिंगर भी ये कहते हैं कि हमेशा एक दिन एक जैसा दौर नहीं रहेगा, सदा एक को जी चढ़ाई नहीं रहनी, वो सच बात है। क्यों? देखिए इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल वर्क करता है, कभी आप टॉप पर हैं, फिर आप बॉटम में हैं, फिर सुधार भी आ जाएगा। इकोनॉमी पूरी ग्रोथ पे है, इकोनॉमी पूरी तरह से डिप्रेशन में भी है, फिर ये ठीक भी हो जाएगा। बट जब आप प्रॉस्पेरिटी का फेज़ देख चुके होते हैं, फिर डिक्लाइन का फेज़ बिगिन होता है, और जब फेज़ डिक्लाइन का आता है, जब बिजनेस साइकिल डिक्लाइन के दौर से गुजर रहा होता है, उस समय में नेचुरली मार्केट में क्या होता है, वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, बी इट एनी गुड्स और सर्विसेज, उसकी डिमांड फॉल की होती है, उस चीज़ की डिमांड नहीं होती मार्केट में, और जब उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो फिर नेचुरली आपको वो कीमत पे नहीं करेंगे, आपको वो जो अमाउंट आप डिमांड कर रहे हैं वो पे नहीं करेंगे, और जब आपको अमाउंट ही नहीं पे हो रहा तो पहले तो आपके कॉम्प्रोमाइज़ होंगे प्रॉफिट्स, फिर धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होगी आपकी लागत मूल्य, उस पॉइंट पे आके उसका प्रोडक्शन आप बंद कर दोगे, इन्वेंट्री जमा होने लग जाएगी, आप पे बर्डन बनने लग जाएंगे। ये सारी सिचुएशन किस चीज़ की डिमांड करती है, नेचुरली कौन हैम्पर हुआ, प्रोडक्शन, जैसे ही प्रोडक्शन हैम्पर हो गई तो आपको अब प्रोड्यूस करने वालों की ज़रूरत तो नहीं है, द प्रोड्यूसर्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट का साइकिल चल पड़ेगा। तो जब भी आर्थिक मंदी का दौर आता है, जब भी इकोनॉमिक रिसेशन का या डिप्रेशन का दौर आता है, तब ले ऑफ्स होते हैं। अभी रोज़ खबरें आती रहती हैं ना अखबारों में
कि टेक इंडस्ट्री ने या फिर किसी और ऑटोमोबाइल ने इतने हज़ार कर्मचारी ले ऑफ कर दिए। सिंपल कहानी यही है कि इस समय पूरी दुनिया में कई कारण, जिसमें से एक मेन कारण रशिया यूक्रेन वॉर है, उस वजह से पूरी दुनिया भर में जो सप्लाई सिस्टम है वो बिगड़ गया है। इसे सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट कहते हैं। सप्लाई सिस्टम के बिगड़ जाने की वजह से खाने पीने की, रोज़मर्रा उपयोग करने की और इंडस्ट्री में इनपुट के रूप में यूज़ होने वाली चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, और बढ़ी हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पूरे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे देश का RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ब्याज दरों को बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा होगा, तो सपोज़ कीजिए मैं फ्लैट बनाता हूँ, मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, और मुझे पैसा बैंक से ही लेना पड़ता है फ्लैट बनाने के लिए। तो जब ब्याज बढ़े होंगे तो ऐसे में किस्त बहुत भारी हो जाएगी, जो पैसा मैं बैंक से लूँगा वो बड़ा महंगा हो जाएगा, तो मैं पैसा नहीं लूँगा, ऐसे में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तो बाज़ार से पैसा घटने लगेगा। इसे कहते हैं मार्केट से लिक्विडिटी निकल जाना, पैसा निकल जाना। दूसरा, सपोज़ करिए आपने होम लोन ले रखा है, आप किस्त भरती हैं उसकी सपोज़ 10,000, सरकार ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अब आपको किस्त भरनी पड़ती है 2,000, वही जो एक्स्ट्रा 2,000 अब आपका किस्त में जाता है, वही 2,000 रुपये पहले महीना आप जुत्तियाँ लेने में, कपड़े लेने में या मूवी देखने में खर्च करती थी ना, तो अब वो 2,000 आपके हाथ में नहीं है, तो अब वो आपकी पॉकेट से सरकार ने निकाल लिया, अब आप खर्च नहीं सकती, मतलब सरकार ने आपकी जेब से भी पैसा निकाल लिया, मतलब आपकी जेब में, बाज़ार में, कहीं भी मार्केट से सरकार ने एक्स्ट्रा मनी निकाल ली, लिक्विडिटी कम कर दी। क्यों? लोग खर्चा कम करें। क्यों? लोग डिमांड कम करें। जैसे जैसे लोगों की डिमांड नीचे जाएगी, वैसे वैसे सप्लाई डिमांड के बराबर आ जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। ऐसा ही होता है कॉलोनी में, जब दो आइटम बिकने के लिए है और उसे लेने वाले 6, तो उस प्लॉट का रेट कितना बढ़ जाता है, उस ज़मीन का रेट कितना बढ़ जाता है। किसी तरह से अगर ख़रीदने वाले भी 2 ही हो जाएँ और बेचने वाला प्लॉट भी 2 हैं, तो रेट बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तो डिमांड को कंट्रोल करके अगर सरकार उसे सप्लाई के बराबर ले आए किसी तरह से, तो फिर महंगाई कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसका सबसे नेगेटिव असर क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के डिसरप्शन की वजह से, जो सप्लाई की कमी के कारण आज महंगाई दिख रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया के सभी बैंकों ने जो ब्याज दरें बढ़ा दी, इसकी वजह से मार्केट से पैसा तो घट गया, महंगाई तो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन निवेशकों के हाथ में पैसा नहीं, आज इन्वेस्टर्स के हाथ में पैसा नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा नहीं है। सपोज़ मेरे ही पास पैसा नहीं है, मैंने एक्सपेंशन करना था आगे, 2 कमरे और बनाने थे, नहीं बना पा रहा, इससे ये सारा काम का चक्र रुक जाता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, उससे जॉब का साइकिल रुक जाता है। मैंने 3 नए फ्लैट बनाने थे, मैं रुक गया, मार्बल लगाने वाले का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, मेसनरी वर्कर का, भट्टों से आने वाली ईंटें, सीमेंट, रेता, बजरी, सबका काम रुक गया, मैंने डिमांड ही क्रिएट करनी बंद कर दी, तो सब जगह बेरोज़गारी हो गई। तो हर आदमी अपने घर में बैठ के कहेगा मंदी आ गई, बहुत मंदी है। तो ऐसे में जब बिजनेस साइकिल डिक्लाइन की ओर जाता है, उस समय में एक मंदी का दौर आता है। इस समय में विश्व भर में जितने भी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी मेन वरी यही है कि महंगाई को कंट्रोल करते करते वो ब्याज दरों को बढ़ाते तो जा रहे हैं, लेकिन हर बार बढ़ाते हुए वो इस बात का ख़ास ख्याल रख रहे हैं कि वो ऐसे दौर में ना पहुंच जाएं कि आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाए। क्योंकि एक बार अगर आर्थिक मंदी का दौर ऑनसेट हो गया, तो फिर ऐसी बेरोज़गारी बढ़ेगी कि उसे दोबारा संभाल पाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए द सेंट्रल बैंक्स, हमारे देश में उसे RBI कहते हैं और अमेरिका में उसे फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं, द फेडरल बैंक। तो ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुंह उठा के सस्ते भाव में ऐसे ब्याज दर 2% रातों रातों को ये जागते रहते हैं ये तय करने में कि कितने को परसेंट ब्याज बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें पता है हल्का सा ब्याज में किया चेंज इकोनॉमी को गिरा सकता है। इधर से महंगाई तो कंट्रोल कर लें, कहीं बेरोज़गारी ना हो जाए। तो सोचो महंगाई और किसी देश की विकास दर, ग्रोथ रेट, कैसे एक दूसरे के दुश्मन हैं, है कि नहीं? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ती है, लोगों की जेब में पैसा आता है, लोगों की जेब में पैसा आता है, लोग डिमांड बढ़ाते हैं, जैसे ही डिमांड क्रिएट करने लग जाते हैं, सप्लाई से डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो महंगाई आ जाती है।
इन्फ्लेशन, ये दानव पैदा हो जाता है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते देश के बैंक, तो वो ब्याज बढ़ा देते, लोन महंगा कर देते हैं कि मार्केट से पैसा खींच लो, साथ ही में इकोनॉमिक ग्रोथ गिरने लगती है, फिर टेंशन, क्योंकि ये जैसे ही गिरी वैसे ही बेरोजगारी का चक्कर चल पड़ेगा, देश ज़्यादा नुकसान में चला जाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी जुडिशियस डिसीजन एट द एंड ऑफ द सेंट्रल बैंक्स दैट दे हैव टू establish the balance between the economic growth and the containment of the inflation. हमें महंगाई और विकास दर दोनों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है, ठीक है, दोनों ही बिगड़ने नहीं चाहिए। ये दोनों ऐसे बेलगाम घोड़े हैं, थोड़ा भी बिगड़ जाएं तो हाथ नहीं आते। अगर एक तरफ महंगाई बिगड़ गई फिर वो नहीं हाथ आनी, और उधर से अगर आर्थिक विकास दर गिरनी शुरू हुई फिर वो भी हाथ नहीं आनी। इसलिए दोनों घोड़ों को संतुलित रखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल बिजनेस साइकिल में आई हुई गिरावट बेरोजगारी को जन्म देती है, क्योंकि ये चक्र चल पड़ता है, क्योंकि बिजनेस साइकिल गिरना मतलब कि आर्थिक विकास दर में कमजोरी आ रही है, मतलब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की अब मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आपको उसे प्रोड्यूस भी नहीं करना है क्योंकि आपकी लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। ऐसे में आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर लेबर की ज़रूरत क्या है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। डिसलोकेशंस इन द इंडस्ट्री एंड इनएबिलिटी टू फॉरकास्ट द मार्केट। देखिए मेजॉरली ये होता है कि किसी एक जगह पर पहले बहुत सरगर्मियाँ होती हैं, बहुत उद्योग धंधा होता है। ऐसा हुआ था पूरी दुनिया में। देखिए 1860 में जब मैं ये कहता हूँ कि 1860 ये ईयर कभी नहीं भूलना लाइफ में, ये सिविल्स की तैयारी में या दुनिया में किसी भी तैयारी में सबसे बड़ा साल है, क्योंकि इसी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साल के तौर पर मनाया जाता है। और हम आज की डेट में ये कह रहे हैं कि हमने जो ग्लोबल क्लाइमेट है उसका जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के मुकाबले 1.5% बढ़ाया हुआ पे रोक देना है। वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल यही है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस लाइन का मतलब क्या है, सपोज़ करो कि इसके पहले हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, ये एवरेज टेम्परेचर होता है, और सपोज़ करो कि हमारी अर्थ अब एवरेज टेम्परेचर अचीव करने जा रही है 17 डिग्री सेल्सियस। हमारा संकल्प ये है कि हमने किसी तरह से भी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि इस वर्ष से पहले तक 15 डिग्री सेल्सियस था, उससे 1.5% की बढ़ोतरी पे ही रोक देना है। मतलब हमने कहीं ना कहीं अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 16.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकना है, अगर उससे बढ़ा तो कहानी ख़त्म। ओके, तो दैट्स वाई दिस फिगर दिस ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो ये 1860 के दौर में दुनिया में जो शहर जगमगा रहे थे, जो पूरी दुनिया का सेंटर बने थे, जहाँ सारे लोग जा रहे थे कि चलो वहाँ चलें और तरक्की हो जाए, वो कौन सी जगहें थीं? वो अगर आप यूके खोलेंगे, यूके यूनाइटेड किंगडम, उसमें अगर आप ब्रिटेन के क्षेत्र में जाएंगे तो उसका बिल्कुल ये सेंटर का रीजन, मैनचेस्टर, लंकाशायर, ये सारे एरिया, द लिवरपूल, ये वो एरियाज थे जो उस समय में गदगद थे। हैवी स्टील, आयरन इंडस्ट्री, कोल माइनिंग्स, एवरीथिंग, सीमेंट, सब यहाँ पर प्लेस्ड था। उस जमाने की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैक में यही उद्योग धंधे थे, ये बहुत चले। बड़ी बड़ी चिमनियाँ, उस समय की पेंटिंग भी हम आज भी जब बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं, एक रेलगाड़ी चल रही है, धुआं निकल रहा, एक बड़ी सी फैक्ट्री उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा, ये दिखाते थे ना। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी चिमनियाँ, बड़ा बड़ा धुआं, हैवी बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं इसे। ये चली, बहुत चली, एक समय आया आपने बहुत पैसा कमा लिया। अब मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लेवल पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन रेलगाड़ी में डाक ले जाके हो रहा है या रोज़ इंटरनेट से मेल करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मैसेज मानती है ना आप इस बात को? तो कम्युनिकेशन के तरीके बदल गए। मैं एक समय में मैं बड़े बड़े रेलगाड़ी के डब्बे बना रहा था, मैंने देखा मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैंने अब ऑब्ज़र्व किया कि अब ज़्यादा रुझान कम्युनिकेशन का ये नहीं रह के वो हो गया है, तो मैं इंटरनेट में इन्वेस्ट करूँगा, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में इन्वेस्ट करूँगा, मैं टूरिज़्म में इन्वेस्ट करूँगा, होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि उधर ज़्यादा रुझान आ रहा है लोगों का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। आज की इकोनॉमी में ज़्यादा आमदनी कमाने का दम इन एक्टिविटीज़ में है, द पोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऐसे में एक दौर आया 1980 का, जब वो जो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ प्रोडक्शन थे, कभी जो बड़े उद्योगपति उन्हें छोड़ के वहाँ से जाने लगे और नए शहरों में जाके नए सेक्टरों में जो रुझान है
वहाँ से पैसा कमाने लगे और वहाँ पर पोल्यूशन भी बहुत होने लगा, अमीर लोग भी वो पोल्यूशन से तंग होकर वहाँ से जाने लगे। धीरे धीरे वो जगहें ऐसी हो गई कि वहाँ पर कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि उन कंट्री ने वो कारखाने ही बंद कर दिए। क्यों? पोल्यूशन बड़ा होता है, लोग बड़े जागरूक हो गए। तो आज वो कंट्री क्या कह रही है कि हमें ये प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू ही आज इतनी है कि उसमें से थोड़ा पैसा खर्च के यही चीज़ें हम इंडिया से और चाइना से मंगा लेंगे। लोहा ही चाहिए ना, वहाँ से मंगा लेंगे। वो लोग प्रोड्यूस कर तो रहे हैं, तो जो कभी वो प्रोड्यूस करते थे आज हम उन स्टेजेस में, पर आज जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पहुँचने में हमें समय लगना है। तो उनके पास वेल्थ ही बहुत है, लेकिन अब उन सेंटर्स का क्या जहाँ कभी वो प्रोडक्शन होती थी? तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ से ख़त्म हो गई, वहाँ से डिसलोकेट होकर के प्रोडक्शन चली गई चाइना। आज दुनिया की तमाम बड़ी कंट्रियाँ चीन में प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि चीन में लेबर सस्ती है, पॉल्यूशन से जुड़े हुए कानून बड़े नरम हैं, रॉ मटेरियल आसपास की जगहों में मिल जाता है। तो अब अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्पेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, वो सारी फैक्ट्रियाँ जो पहले वहीं थी वहाँ से उठ गई और चली गई चीन। तो वहाँ पे पहले थी तो वहाँ लोगों को रोज़गार दे रही थी, अब वहाँ से चली गई तो वहाँ के लोग क्या करें? तो इंडस्ट्रीज़ के डिसलोकेशन की वजह से भी क्रिएट होती है अनएम्प्लॉयमेंट। जहाँ पर कभी कोई कारखाना लगा होता था, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स का कारखाना है, जैसे अभी पंजाब में आज से ठीक 1.5 महीने पहले लगातार कई दिनों तक किसानों ने विरोध किया। किस बात का? एक शराब की मिल थी, और ऐसा कहा जा रहा था मालवा के इलाके में, ये कहा जा रहा था कि वो शराब की मिल अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रही है, उसे दूषित कर रही है, हैंड पंप, नल, इन सब जगह से गंदा पानी आ रहा है। फतेहगढ़ साहिब की मेरे ख्याल ये बात थी, अभी 1.5 महीने पहले की बात है, किसानों ने मोर्चा लगाया था कि इस मिल को बंद करना है। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे थे कि ये मिल इतने लोगों को रोज़गार देती है, अगर बंद कर दी तो उसका क्या होगा? तो तब आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी कि देखिए, हम साइंटिफिक तरीके से पानी की जांच कराने को तैयार हैं, हम कराएंगे। अगर थोड़ा भी ये प्रूव होता है कि कंपनी के केमिकल्स पानी में मिले हैं, तो कंपनी पे और सख्त नियम लगा के उन्हें कहेंगे कि इसे सुधारो। पर कंपनी ही बंद करने ने ये क्या तरीका है? एक तरफ आप कह रहे हैं उद्योग लेके आओ, रोज़गार दो, दूसरी तरफ कंपनियाँ बंद कर दो, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो एक फैक्ट्री के कहीं से चले जाने या एक फैक्ट्री के कहीं आने, चुनावी वादों में आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? हम लोग युवाओं को रोज़गार देने के लिए यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेके आएंगे, हम मोटर कार इंडस्ट्री लेके आए, हरियाणा के मानेसर में लगे हुए हैं ना प्लांट, आपको क्या कहते हैं हम यहाँ लेकर के आएंगे? इंडस्ट्री आना मने एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री जाना मने अनएम्प्लॉयमेंट। दुनिया भर में ये हो रहा है और भारत में भी। बड़े बड़े उद्योग धंधे जहाँ कभी लगे होते थे, चाहे पर्यावरण के नियमों के कारण, चाहे पानी गंदा कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ हो गया है, या अब उस मालिक को वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती, वो वहाँ से चला गया, वहाँ से रोज़गार चला गया। आई बात समझ में? बड़े पैमाने पर लोग ये मानते हैं कि जब टाटा नैनो का प्रोजेक्ट रतन टाटा बंगाल में लाने जा रहे थे, नंदीग्राम सिंगूर की कंट्रोवर्सी हुई सारी, ममता बनर्जी ने कैंपेन लीड किया कि ये ज़मीनें हम इनको नहीं देंगे, तो बड़े पैमाने पर लोग ये भी मानते हैं, आज जो लोग वहाँ पर बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि तब का लिया हुआ ममता का वो फैसला आज गलत साबित हो रहा है, हमारे युवाओं के पास रोज़गार नहीं है और हमें भटकना पड़ता है पूरे भारत भर में, अगर यहाँ उद्योग धंधे लगते तो रोज़गार भी आता, ज़मीनों का मसला और अच्छे से सुलझाया जा सकता था। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन एंड फर्दर डिसलोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अच्छा दूसरा फैक्टर इसमें क्या छुपा हुआ है? इनएबिलिटी टू फॉरकास्ट द मार्केट। अच्छा जी सुनिए, मैं यहाँ रहता हूँ, हम सब जलंधर में रहते हैं और हम सब जलंधर में जानते हैं कि यहाँ हैंड टूल इंडस्ट्री, ठीक, डन। और सेकंड, हम सब जानते हैं जलंधर में इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और तीसरी हम जानते हैं जलंधर मशहूर है अपने ट्रेड एंड कॉमर्स बाज़ारों के लिए, डन। हाँ, स्पोर्ट्स मार्केट। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ एज अ गवर्नमेंट, और आप हैं एक अच्छे एनालिटिक्स, हम अगर ये अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं एक गवर्नमेंट के रूप में, एक विशेषज्ञ के रूप में, कि आगामी 15 वर्षों में, 20 वर्षों में और 30 वर्षों में हमारे इस रीजन में कौन सी इंडस्ट्री जाने वाली है या क्या आने वाली, फ्यूचर पोटेंशियल कहाँ है, किस सेक्टर में है। तो इसका मतलब हमने लोगों को उनके जिम्मे छोड़ दिया कि अचानक से इंडस्ट्री चली जाएगी और वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइमली इस बात की प्रिडिक्शन करें कि फ्यूचर किस में है। आज जब आप अपने देश के प्रधानमंत्री को ये कहते सुनते हैं कि भारत में आज़ादी का अमृत काल चल रहा है,
हमें अमृत महोत्सव मनाना है. व्हाट यू मीन बाय दैट वर्ड अमृत काल? वो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी बहुत अलग होगी, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट बहुत डिफरेंट होगी. देश ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ हाइपरलूप में लोग ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे बुलेट ट्रेन्स चलेंगी, हाइड्रोजन सेल से गाड़ियाँ चलेंगी. उन सर्विसेज को फुलफिल करने वाले युवाओं के पास तब क्या वो स्किल्स होगा? अब अगर हम उससे नेसेसरी आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस ही ना करें, अगर हम अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के करिकुलम में चेंजेस ही ना करें, अगर हम अपने यहाँ पर ऐसे कोई फंडिंग सेंटर ही ना क्रिएट करें जो उन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई सर्विसेज के लिए फंडिंग कर पाए, अगर हम आज अपनी कंट्री में उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप ना करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना बनाएं, तो तब वो नया उद्योग बेचने वाले बाजार में तो खड़े होंगे, हम क्या ग्राहक के रूप में उसे लेने के लायक होंगे? नहीं. कौन ले जाएगा? दुबई में, यूएई में लगेंगी. कौन ले जाएगा? सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया अपने आप को रेडी कर रहा है अगले 50 साल में, 100 साल के लिए. क्यों रेडी कर रहा है? उन्होंने फॉरकास्ट करी हुई है कि फ्यूचर किन चीज़ों पे चलने वाला है. तो इसलिए वो ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से उनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी. तो उनके पास अच्छे एबल एनालिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये फॉरकास्टिंग कर रही हैं कि 40 साल बाद अगर सऊदी अरेबिया को बनाए रखना है तो सेक्टर चेंज करना पड़ेगा बॉस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लाइफ नहीं चलने वाली. तो वो अभी से शहर खड़े कर रहे हैं, अभी से नए तरीके अपना रहे हैं, अभी से खुद को ग्लोबल हब बनाने में लगे हैं कि दुनिया में आने वाले समय में राज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगेगा भारी पैसा. हम बनेंगे दुनिया के इन्वेस्टर, हम कराएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दुनिया को पैसा हम देंगे. तो वो अभी से टॉप क्लास के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़े करने में लगा है, तो वो अभी से वो टॉप क्लास की सिटीज़ बनाने में लगा है. अब एक देश के रूप में हम जी बैठे हुए हैं, देश चल रहा है ठंडे बस्ते में, सब मस्ती में, अचानक से दुनिया को पता लगा ऐसा है कि आपकी कंट्री में क्या है, ये उद्योग धंधा है, ये नहीं चाहिए, कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए आपका, कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं चाहिए. तो फिर हमारी इंडस्ट्री क्या हुई? रिडंडेंट, फेल, ऑब्सोलीट. तो डूब गया आपका मुल्क, अर्थव्यवस्था डूब गई. फॉरकास्ट का महत्व समझ पाए कि फॉरकास्ट क्या होती है? हम फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर इंडस्ट्री, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर एजुकेशन में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी फॉरकास्टिंग हमें ये बता पाती है कि फ्यूचर किधर को जाने वाला है. तो जितना आपके परिवार में कोई व्यक्ति है वो जितना फ्यूचरिस्टिक है, देश में जो आदमी है फ्यूचरिस्टिक, सरकार में अगर कोई फ्यूचरिस्टिक, वो घर, वो देश और वो सरकार उतनी कम वल्नरेबल होगी, उतनी कम नुकसान के प्रति प्रोन होगी, बची रहेगी, सेफ रहेगी. इसलिए मौजूदा समय में घर में पैसा है, खर्चो, रोकते नहीं हैं. आगे की अनसर्टेनिटीज़ के लिए भी तो रेडी रहो, सेव भी तो करो. लेकिन कई बार क्या होता है, पैसा आया, बौखल आ गए, कहते खर्चड़ा कितने खर्ची है, गड्डी ले लो, फलाना टमकाना, किश्ता ये वो, बस 4 महीने में उद्योग धंधा हिला, वही मूंग करेले के जैसा, फिर कहते गड्डी तो बेड़े जे घड़ी पर इन्हों तो बीपी चढ़ा है. तो वो प्रॉब्लम है कि फॉरकास्टिंग बड़ी खतरनाक है, अच्छी फॉरकास्ट नहीं है. लेकिन समझदार आदमी देखता है कि खाते में 40 लाख है, कहता हाँ चलो 7 लाख 8 लाख की गाड़ी का प्लान कर लो देख लो. लेकिन गलत फॉरकास्टिंग क्या करते, कहते कितना आया, कहते 8 लाख, कहते क्रेटा टॉप मॉडल कितना, कहते 17, लोन कितने का हो जाएगा, कहते पूरा हो जाएगा बैंक वाले लोन पूरा. घर में इसी बात की खुशी मनाई जा रही कि बैंक वाले ने कह दिया लोन कर देंगे, मतलब हैरानी की बात है यार, क्यों नहीं करेगा? तुम 8 लाख उसे दे रहे हो, आधे का लोन ना करेगा वो? जिस देश में अब 95% लोन होता है व्हीकल का, वो 50% का ना करेगा? 8 लाख ही एंठे में था, जेब्बे में 8 ही था, 8 का और लोन करा लिया, गाड़ी ले ली, अब जेब्बे में पीछे कुछ नहीं है, बंदा एडमिट हो गया श्रीमन में, तो क्या बनेगा इसका? और पता लगे उसी क्रेटा में चढ़ के जा रहे हैं, भाई 2 लाख दी लोड सी, वो बंदा देख रहा है कमाल है, गड्डी क्रेटा लाज नू पया नहीं. ये गलत फॉरकास्टिंग, गलत रणनीतियाँ, गलत तरीके, आर्थिक डुबाव इसी कारण से होता है भाई, देश भी ऐसे ही डूब जाते हैं, योजना बना के चलनी पड़ती. समझ में आई? एग्रीकल्चर में फ्यूचर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी आएगी, उसके अकॉर्डिंग यूथ को ट्रेन करो. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के फ्यूचर तरीके क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग यूथ को ट्रेन करो. अगर मोनोरेल चलने वाली है, अगर बुलेट ट्रेन चलने वाली है, अगर अगर हाइपर सिस्टम ऑफ ट्रांजिशन शहरों में चलने वाला